देखिए का इसमें मेरा ये कहना है कि जैसे एम गेट का जो एक पैच है, जो परिसर है, वहाँ पर मैं हमेशा के लिए पहले से भी बोलते हुई आई हूँ, अपने ऑन ड्यूटी स्टाफ को भी हिदायतें देती हूँ कि यहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं रहना चाहिए, मुंह होना ज़रूरी है। तो कल का जो जो वारदात हुई है कल की, उसमें यही हुआ कि बंदा वहाँ पर ही एम गेट के वही जगह पर खड़ा था। उसने देखा कि ट्रेन आई, वो दौड़ कर गया। वहाँ पर एक विकलांग जस्ट अपने कोच से बाहर आ रहा था, उसने इसे घूमते घूमते देखा उसको और छीन कर उसी पैच से, मतलब वो एम गेट का जो परिसर है वहाँ से दौड़कर चला गया। तो तुरंत ही ऑन ड्यूटी जो हमारे MSF और हमारा RPF था, उसने फिर बराबर फील्डिंग लगाई कि कैसे वो दौड़कर जाएगा। तो एक अपना जो मेन टिकट का बुकिंग काउंटर है वहाँ पर जाकर खड़ा रहा और उसने उसको दौड़ा दौड़ा कर उधर लाने के लिए मजबूर किया। फिर ऐसे इस तरह से उसको रंगे हाथ पकड़ा है। तो जब पकड़ा गया तब वो जो एक जो लड़का था 23 साल का था, जो चोर था, उसका नाम कुछ अब्बास व्यापारी है, वडाला में रहता है और उमरा का नहीं है। और जो फिरियादी थे, जो जिनका मोबाइल चला गया था, जो भी रिकवरी भी हुआ, उनका नाम मोहम्मद फिरोज शेख था। तो उन्होंने भी अपनी फिरियाद दी और फिर GRP में ये मामला पंजीकृत किया गया है। तो हिरासत में है, हिरासत में है। यही जैसे कि हम लोगों की पुलिस की नज़र होती है, हम रोकथाम करना ये भी हमारा काम है, ना कि वारदात होने के बाद चोर को पकड़ो और उसको पनिशमेंट दो। रोकथाम करने के लिए ही, जैसे मेरे काम के जो मोडस ऑपरेंडी थी उसी में भी यह एक पार्ट था कि एम गेट पर कोई भी खड़ा नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जो खड़ा रहता है वो चोरी होता है, जो खड़ा होता है शायद उसका ही मोबाइल छीना जाए या फिर कोई लेडीज खड़ी है उसको कोई छेड़छाड़ किया जाए। तो ना खड़ा रहना है, ना ये वारदात होने के लिए कुछ रुकना है। तो आपका काम हो गया, जैसे आप ट्रेन से उतरे आप चले जाइए, बाहर वेट कीजिएगा, बाहर सिटी में जो भी आपको मिलना है वेट करें, वहाँ पर रहना ज़रूरी है। ये एक्चुअली रेलवे परिसर ये वेटिंग प्लेस नहीं होता, जो यात्रा करते हैं वो यात्रियों के लिए, उनके सुविधा के लिए बनाई हुई जगह होती है, ना कि आप वहाँ पर खड़े रहें और बाहर से आए हुए आपके रिश्तेदार वहाँ पर मिलने आए, ये सरासर रूल के खिलाफ है। तो बीइंग इन चार्ज मेरा ये काम रहेगा कि कोई भी वारदात होने से पहले उसकी रोकथाम के लिए अपने अपने तरीके से उस हिसाब से उस घटना को रोकने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया जाए, यही मैं कह रही थी। और अब जो हुआ है वो उसी का एक पार्ट था, लेकिन रंगे हाथ पकड़ा गया है इसलिए वारदात को न्याय मिल पाया है। इस पर मैं कहना चाहती हूँ कि अच्छे काम करते हैं तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती है, गलत फहमियाँ भी हुई, लेकिन मैं एक फ़क्र से कहूँगी कि गलत फहमियाँ जब दूर हुई तो वही लोग जो परेशान थे या फिर गलत फहमियाँ के शिकार हुए थे, वही मुझसे आकर अच्छे से बात कर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और एक अच्छे तरीके से हम लोगों में एक रिश्ता बन गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी गलत फहमी हम लोगों के बीच में रहेंगी। लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, ये मैं अपने मुंह से नहीं, आप बाहर जाकर भी पूछ सकते हैं। बस मुझे यही जनता हो या भी जो भी यहाँ के आसपास के जो नेता है उनसे यही कहना चाहूँगी कि मुमरा आपका भी है, मेरा भी है, तो हम मिलकर इस मुमरा को बहुत बेहतरीन चलाएंगे। गलत फहमियों से या फिर आरोप करने से कुछ नहीं होगा, बस नुकसान होगा।